अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का मीठा। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है 1 किलो गाजर। तो गाजर को सबसे पहले हम ऊपर का जो छिलका रहता है वो निकाल लेंगे और इसके बाद में इसको इस तरह से ग्रेट करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे गाजर के मीठे को। कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसके अंदर 100 ग्राम घी ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ काजू, बादाम, पिस्ता, तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे, हल्का सा कलर चेंज होने तक ये सब चीज़ों को घी के अंदर फ्राई कर लेना है। घिसा हुआ गाजर ऐड करेंगे। अब गाजर ऐड कर लेने के बाद में हम इसको भून लेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम हीट पे। तो बीच बीच में हम चमचा हिलाते जाएंगे इसी तरह से कढ़ाई के अंदर। 10 मिनट तक अच्छे से भून लेने के बाद में दूध ऐड कर लेंगे, आधा लीटर दूध है ये। दूध ऐड करने के बाद में अब हम इसको पका लेंगे, गाजर को अच्छे से गला लेंगे, तो 20 से 25 मिनट लग जाएंगे और बीच बीच में हम हिलाते भी जाएंगे ताकि दाग ना लगे इसको। दूध भी लगभग ड्राई हो जाना इसके अंदर का। थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो 20 से 25 मिनट तक हमने गाजर को पका लिया था। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 750 ग्राम शक्कर, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। अब अच्छे से मिला लेने के बाद में शक्कर के अंदर का जो भी पानी था वो इस तरह से छूट जाएगा और अब हम इसको पकाएंगे 25 से 30 मिनट के लिए, यानी कि मीठा जो है गाढ़ेपन में आ जाना, शक्कर से जो भी पानी निकला वो पूरा ड्राई हो जाना। ये देखिए 25 से 30 मिनट तक हमने पका लिया था, शक्कर जो है अब अच्छे से जो भी पानी निकला था उसमें का वो पूरा ड्राई हो गया। खोआ ऐड कर लेंगे 100 ग्राम, अच्छे से मिला लेंगे और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। मीठा जो है एकदम रेडी है सर्व करने के लिए और इसको स्टोर करके रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज में भी नए रखे भी तो चलता है, रूम टेम्परेचर पे अगर रखेंगे तो 1 वीक तक रख सकते हैं इसको। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी को। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।